हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मंगेश और आज मैं आपके लिए लाया एचपी का ये लैपटॉप एनवी सीरीज का। मैं आज आपको बताऊंगा कि इसके हार्डवेयर कैसे चेंज करते हैं। बहुत ही सिंपल है, आप खुद ही इसको चेंज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये एचपी का लैपटॉप है, ये एचपी का एनवी सीरीज का लैपटॉप है। तो मैं आज आपको इसके हार्डवेयर कैसे चेंज करते हैं वो सिखाऊंगा। सबसे पहले आपको इसको फ्लिप कर लेना है पीछे की साइड में, और आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे कुछ स्क्रूज है। ये सारे स्क्रूज आपको सबसे पहले रिमूव करने हैं। उसके लिए आपको एक इधर टूल किट की जरूरत पड़ेगी जो आपको किसी भी हार्डवेयर शॉप में मिल जाएगी, देख सकते हो। और आपको ये सारे स्क्रूज ओपन कर लेने। जैसे आप सारे स्क्रूज ओपन कर लेंगे, आपका ये पैनल है पीछे का, ये बाहर आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्लाइटली स्पेस है जिसमें आप टूल किट की मदद से आप इसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो हल्का सा इसमें डाल के थोड़ा सा प्रेस कर देंगे तो ये इस तरह से खुल जाएगा। आप इसको आराम से ऊपर उठा सकते हैं। ये देखें, इस तरह से पैनल बाहर आ जाता है। इसको साइड में रख देंगे। लैपटॉप का पैनल ओपन करते सबसे पहले आपको इसकी बैटरी को डिस्कनेक्ट करना होता है। तो सबसे पहले हमेशा बैटरी डिस्कनेक्ट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पे बैटरी का कनेक्शन है। यहाँ पे जो दिख रहा है ये बैटरी का कनेक्टर है। सबसे पहले हम इसको डिस्कनेक्ट करेंगे। प्यार से निकाल लीजिए। एक बार आप बैटरी डिस्कनेक्ट कर देंगे तो उसके बाद आपके इसमें से कोई भी पार्ट डिटैच कर सकते हैं। तो जैसे आप पैनल ओपन कर लेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए हार्ड ड्राइव दिखेगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये हार्ड ड्राइव है। आप इसको जस्ट ऐसा ऊपर पुल कर लीजिए, इसमें कोई भी स्क्रूस नहीं है तो आप ये इजिली बाहर निकाल सकते हैं। इसके दो कनेक्शन, एक तो यहाँ पे है जिसको आप खींच के बाहर निकाल सकते हैं इस तरह से। देखिए आगे से इसको बाहर इस तरह से खींच लेना है तो ये बाहर आ जाएगा। दूसरा जो कनेक्शन है वो यहाँ पे मदरबोर्ड के ऊपर रहता है, उसको आप ना ही निकाले तो अच्छा है। आप चाहे तो उसको निकाल सकते हैं। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसका कनेक्टर है, आप इसको भी निकाल सकते हैं, बट उसकी ज़रूरत नहीं। आपको हार्ड ड्राइव चेंज करने के लिए आपको सिर्फ ये कनेक्शंस निकालना है, और उसके बाद आप कोई भी हार्ड ड्राइव इसमें अटैच कर सकते हैं। इसके अंदर अभी 500 GB की हार्ड ड्राइव है। आप इसमें 1 TB, 2 TB, 3 TB की हार्ड ड्राइव लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो बस ये नई हार्ड ड्राइव लेके इसमें प्लग करके इसमें यहाँ पे रख देना है। होता क्या है कि ये पैनल के सपोर्ट से ये हार्ड ड्राइव को कवर कर लेता है, ठीक है। फ्रेंड्स, लैपटॉप का कवर बंद करने से पहले अपने जो बैटरी का कनेक्शन रिमूव किया था उसको लगाना ना भूलिए, वरना आपका लैपटॉप ऑन नहीं होएगा। जिस तरह से आपको निकाला था आपको उसी तरह से वापस इसको अंदर प्रेस कर देना है तो ये लग जाएगा। और एक बार आप ये इसको कनेक्ट करके लगा देंगे उसके बाद आप इसको बंद कर सकते हैं अच्छे से। आपको सिर्फ इसको इसको रख देना है और सारे स्क्रूज को वापस लगा देना अपनी जगह पे। हार्ड ड्राइव चेंज करने के लिए एक बात आप जरूर याद रखिएगा कि अगर आप नई हार्ड ड्राइव यूज करते हैं तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं होगा, तो आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल करते हैं उसका मैं एक अलग से वीडियो आपको बना के दे दूंगा। तो आप कभी भी कोई भी लैपटॉप डेस्कटॉप के हार्ड ड्राइव चेंज करें तो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे दोबारा से इंस्टॉल करना है, विंडोज 7 हो, विंडोज 8 हो, विंडोज 10 हो, तो मैं इसके लिए आपके लिए अलग से एक वीडियो जल्दी लेके आ जाऊंगा, तो आप वो वहाँ से देख के कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।